नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। आइए नजर डालते हैं खेल जगत की खबरों पर। रजत में तब्दील होगा भारतीय पहलवान योगेश्वर का कांस्य पदक। रजत पाने वाले मरहूम रूसी पहलवान बेसिक कुदुखोव पर डोपिंग नियमों के उल्लंघन का आरोप साबित। लंदन ओलंपिक 2012 में योगेश्वर दत्त ने जीता था कांस्य पदक। अमेरिकी ओपन के पुरुष एकल वर्ग के पहले दौर में हारे भारत के साकेत मायनेनी। चेक गणराज्य के जिरी वेस्ले ने 6-7, 6-4, 6-2, 2-6 और 5-7 से दिमाग। चोटिल होने के बावजूद मायनेनी ने दिखाया बेहतरीन खेल। सेंचुरियन टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड पर कसा शिकंजा। कीवी टीम पर हासिल की 372 रनों की बढ़त। दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन न्यूजीलैंड की पारी 214 रन पर सिमटी। विराट कोहली की टेस्ट टीम के बारे में महेंद्र सिंह धोनी का दावा, सत्र के अंत में टेस्ट में नंबर एक टीम बन सकता है भारत। न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के खिलाफ इंडिया को खेलने हैं 13 टेस्ट मैच। ओलंपिक खिलाड़ियों पर यूपी सरकार मेहरबान। साक्षी मलिक, पीवी सिंधु और दीपा कर्माकर को देगी 1-1 करोड़। रियो में भाग लेने वाले 10 खिलाड़ियों को मिलेंगे 10-10 लाख रुपए। और संन्यास के बाद सामने आया दिलशान का दर्द। कहा कप्तानी के दौरान टीम के पूर्व और मौजूदा खिलाड़ियों का नहीं मिला समर्थन। कप्तानी के पद से हटाए जाने पर हुए थे काफी आहत। ये तो हुई खेल जगत की खबरें। खबरें और भी हैं, देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।